हाय स्टूडेंट, मैं संतोष सर पुनः आप लोग के सामने साइको टेस्ट के लिए टेस्ट 3 के बारे में कुछ मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसके पिछले क्लास में मैंने टेस्ट 2 और साइको के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझाया था। टेस्ट 3 परीक्षण, जिसे डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, यह परीक्षण साइको टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस परीक्षण में कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर देना होता है। 5 मिनट में आपको 50 प्रश्न का उत्तर करना है, जो कि ईंट पर आधारित होते हैं। और इसी का सेकंड पार्ट, अगर ईंट पर आधारित नहीं पूछे जाएंगे तो घन पर आधारित पूछे जाएंगे। घन पर आधारित प्रश्न में छुपे हुए घनों की संख्या मालूम करनी होगी, जबकि ईंट पर आधारित प्रश्न में कोई भी ईंट जिस पर ए बी सी डी ई के रूप में मार्क किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है, उस अंकित ईंट दूसरे ईंट के कितने सतह से स्पर्श कर रहा है, यानी कि कोई भी ईंट कितने ईंट से स्पर्श करता है, उसके कितने ईंट के सतह को छूता है, इसके बारे में आपको सही काउंटिंग करनी होती है। तो ईंट परीक्षण के बारे में आज जो है टेस्ट 3 आपके रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, उस परीक्षण के बारे में मैं आपको मार्गदर्शन देने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपके सामने जो है ईंट डिस्प्ले आपके सामने इसी रूप में परीक्षा में भी मिलेंगे, जिसमें समान साइज के इक्वल साइज के सभी ईंट प्रयोग में लिए जाएंगे। 3 डायमेंशन फिगर होगी, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। अतः आप इस चीज का भली भांति पहले ध्यान रखिए कि कोई भी एक ईंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि ईंट के सही स्पेस अगर आप ऑक्यूपाई देख लेंगे तो उस ईंट के बारे में आप सही सतह को आप समझ पाइएगा। जैसे आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर में आप विद्यार्थी सबसे पहले ये समझिए कि इसमें टोटल कितना ईंट रखा हुआ है। तो टोटल विद्यार्थी इसमें आप देखोगे तो 2 ईंट नीचे है, जो कि चौड़ाई के रिस्पेक्ट से है। फिर इसके ऊपर 2, तो 2 + 2 = 4 ईंट। फिर जो है 1, 2, 3 इस ओर से दिख रहा है, तो 4, 3, 7, 7 के ऊपर एक ईंट ये है, 8 इसके ऊपर जो है एक, यानी इस प्रश्न में टोटल 9 ब्रिक्स, दैट मींस 9 ईंट टोटल रखा हुआ है। लेकिन हमें 5 ईंट पर ही नाम अंकित है, जो कि ए ईंट, बी, सी, डी, ई। विद्यार्थी को देखने में जो समस्या आती है, तो मैं देखा हूं कि वे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको सही ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी ईंट का कम से कम एक सतह और अधिक से अधिक 3 सतह ही दिखाई पड़ सकता है। ऐसा इस डायग्राम में या इस टेस्ट में कोई भी फिगर ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह से छुपा रहेगा, यानी हर ईंट का कोई ना कोई एक सतह मिनिमम दिखता ही है, उसके आधार पर हम लोग कोई समझेंगे। दूसरी चीज, स्टूडेंट को समस्या ये आती है कि जैसे डी ईंट के बारे में स्टूडेंट सोचते हैं कि ये हमारा डी ईंट है और ये एक दूसरे ईंट से स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। लेकिन विद्यार्थी, चूंकि 3 डायमेंशन फिगर होती है, अतः डी का एरिया जो है इस लाइन तक है, ये कंप्लीट जो है ये डी ईंट का ही क्षेत्र है। अतः सबसे पहले इसमें विद्यार्थी आप इस चीज को भली भांति जानने का प्रयास कीजिए कि कोई भी ईंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो डी ईंट का ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गई, और इसकी गहराई जो है अंदर तक है, क्योंकि जब चौड़ाई ये आगे से दिख रहा है तो बैक में भी उसका उतना ही चौड़ाई रहेगा। तो जो डी ईंट जिस तरह से दिख रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है,
सेम उसी प्रकार ई ईंट भी आगे मतलब फ्रंट टू बैक उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा जितना डी ईंट किया है। तो इसे कंसेप्ट के द्वारा जो 3D डायमेंशन जो है उसके द्वारा आपको ये समझना होगा कि डी ईंट जितना स्पेस लिए हुए है उतना ही मेरा ई ईंट लिए हुए है। अब डी और ई की बात अगर विद्यार्थी समझ गए तो उसके ऊपर में पुनः दो ईंट आपको दिख रहा है, तो दोनों पर नाम तो नहीं है लेकिन वे पूरी तरह से डी और ई को कवर करेगा क्योंकि दोनों ईंट बिल्कुल डी और ई के सापेक्ष रखे हुए हैं, उसके रखने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। इससे ऊपर जा रहे हैं तो जो आपको सामने चौड़ाई के रूप में दिख रहा था वो ईंट अब लंबाई के रूप में रखा हुआ है जिस पर बी लिखा हुआ है, तो बी का ये लंबाई हो गया लेकिन बी जो है इस जगह तक कवर किए हुए है क्योंकि ये चौड़ाई हो गई। तो ये एक बी ईंट हो गया, बी के ऊपर एक ईंट पर नाम नहीं है लेकिन वो कंप्लीट कवर कर रहा है, उसके बैक में ए ईंट है जो कि मोटाई के रूप में रखा हुआ है, इसका मोटाई ये हुआ और ये इसका चौड़ाई हो गया। तो ए चौड़ाई और ये दो ईंट की मोटाई देखिए दोनों मिलकर इक्वल बैल कर लेगा। तो ईंट परीक्षण में विद्यार्थी आपको हेल्प मिले कैसे आप सही काउंटिंग कर सको, इसके लिए मुख्य बात है कि सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी ईंट कितना स्पेस कवर कर रहा है। दूसरी ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अगर कोई भी ईंट किनारे डेट मीन्स एज और कॉर्नर डेट मीन्स कोने को टच करेगा तो उसे हम लोग काउंटिंग में नहीं लेंगे। जैसे सी ईंट का जो है ए ईंट वाले किनारे दोनों का एज टच हो रहा है किनारे, तो सी के लिए ये कहीं से जो है काउंटिंग में शामिल नहीं होगी क्योंकि जो ईंट किनारे से टच होता है उसे काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। कोना की जहां तक बात है कॉर्नर से भी कोई अगर ईंट टच कर रहा है तो उसे भी हम लोग काउंटिंग में नहीं लेते हैं। जैसे कॉर्नर की बात अगर हम लोग को देखनी है तो अभी के फिगर में कोई भी ईंट अगर कॉर्नर के द्वारा टच कर रहा है, जैसे यहां डी ईंट का ये कॉर्नर है और ये जो सामने वाले ईंट जो आप देख रहे हैं इस ईंट के लिए भी एक कॉर्नर है, तो डी ईंट का जो है इस ईंट में काउंटिंग में स्थान नहीं आएगा क्योंकि ये कॉर्नर को टच कर रहा है। तो कोई भी दो ईंट अगर कॉर्नर से टच करे तो उसे काउंटिंग नहीं करना है और कोई भी ईंट अगर किनारे से टच करे तो उसे भी काउंटिंग में नहीं करनी है। अब देखिए कि कैसे स्टूडेंट आप इस पर पकड़ बनाइएगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जैसे कोई भी ईंट मैक्सिमम पांच तरफ से घिरे हो सकते हैं क्योंकि ईंट में टोटल छह सतह है तो मैक्सिमम पांच तरफ से, वो दो तरफ से भी घिरे हो सकते हैं, तीन तरफ से भी घिरे हो सकते हैं, चार तरफ से भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम पांच तरफ से क्योंकि एक सतह तो उसका दिखेगा ही दिखेगा। तो हम लोग जो है स्टूडेंट इस चीज को पहले कैसे अपने आप को कंसेप्ट पर पकड़ बनावे, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ईंट के बारे में हम सोचेंगे उस ईंट को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बैक फ्रंट जितने भी डायरेक्शन में जाएंगे हर डायरेक्शन का टोटल ईंट लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहां पर टोटल तो इसमें गिन लिए, जैसे ए के लिए हम लोग लिखते हैं तो ए के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं दो दो एक टोटल फाइव। ये दो लिखने का मतलब हो गया कि ए के नीचे जो है दो ईंट है, ए के निचली सतह पर, जैसे बी के निचली सतह पर हमें दो ईंट नजर आ रहा है विद्यार्थी,
ठीक उसी प्रकार एक के निचली सतह पर ये दो ईंट आ गया। अब राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में एक के राइट साइड में दो ईंट है तो उसके लिए ये दो लिख दिए। ऊपर में जो है ये यहां पर उसका कॉर्नर टच कर रहा है तो जो भी कॉर्नर और किनारे हो तो इसलिए सी ईंट इसका काउंटिंग में नहीं आएगा। यह एक ईंट जो है एक के लेफ्ट साइड का ईंट है तो ये दो जो है ये के बॉटम में है, एक दो जो है ये के राइट साइड में है और एक जो है ये के लेफ्ट साइड, टोटल हुआ 5, इसलिए इसका सही उत्तर दिया जाएगा 5। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग बी के बारे में सोचेंगे तो बी के लिए हम लोग देख रहे हैं टॉप में 1 है, बैक में 1 है, बॉटम में 2 है, इसके लिए भी टोटल विद्यार्थी इसका हो गया स्पर्श करने वाले ईंट की संख्या 5। बी के ऊपर में अब स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, यहां से देखेंगे 1 पढ़ लेंगे, यहां देख लेंगे वो 2 कर देंगे, तो ये 1 और 2 नहीं है क्योंकि ये ईंट कंप्लीट यहां तक स्पेस कवर कर रहा है, इसलिए बी के ऊपर में एक ईंट ही है। बी के बैक में जा रहे हैं तो एक ईंट है और बी के निचली सतह पर, तो निचली सतह पर बी दो ईंट पर सपोर्ट लिए हुए है क्योंकि आधा भी अगर सतह किसी ईंट का ढक रहा है तो उसे काउंटिंग में लिया जाएगा। तो 2, 1, 3, 1, 4 यानी बी कितने ईंट को स्पर्श कर रहा है तो टोटल इसका हो गया 4। अब विद्यार्थी इसी तरीके से सी के लिए देखिए तो सी सबसे ऊपर में है और सी डायरेक्ट एक ईंट पर केवल उसके निचली सतह पर ईंट है। सी के जो हम लोग बैक में लेफ्ट साइड से दो देख रहे हैं वो किनारे से टच हो रहा है ये ईंट, इसलिए किनारे वाले ईंट काउंटिंग में नहीं आएगी, इसलिए सी के लिए सही उत्तर होगी 1। डी के बारे में विद्यार्थी देखिए, डी के ऊपरी सतह पर एक है, राइट साइड में एक है, टोटल हो गया 2। ई के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ई के लिए ऊपर में एक हो गया, लेफ्ट में 1 हो गया, उत्तर हो जाएगा 2। ई के ऊपर में एक है, लेफ्ट में 1 है, तो 1+1, 2। तो स्टार्टिंग विद्यार्थी आपको इसी कंसेप्ट से करना पड़ेगा क्योंकि एक कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा हर साइड के में कितना टोटल नंबर ऑफ ईंट से स्पर्श कर रहा है तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ईंट का स्पेस देखने का तरीका क्लियर हो जाएगी और जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट स्टूडेंट फिर देख कर आप कंटिन्यू रह जाएंगे, फिर आपको काउंट करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, वो देखते आपके ब्रेन में ये बात आएगी कि 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 1, 2। तो पहले आपको बेसिक कंसेप्ट जो है यही है, इस कंसेप्ट को एडप्ट कर लीजिएगा तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आप जो है फास्ट हो जाइएगा। अब आप आइए स्टूडेंट इस फिगर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये फिगर में देखिए ए ईंट के लिए तो ए के लिए लिखना है ऊपर एक, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट, टोटल 3 इसका दिया आएगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट, टोटल 3। बी के लिए देख रहे हैं, बी के लिए आप देख रहे हैं तो बी के ऊपर में 3 ईंट हो जाएगा क्योंकि आधा भी अगर स्पर्श करेगा तो काउंटिंग में लेना है, 1, 2, 3। बैक में जाइएगा 1, बॉटम पर आइएगा 1, टोटल हो गया 5। सी के लिए आप देख रहे हैं ऊपर में इसका दिया हुआ है 3, सी के ऊपर में, क्योंकि देखिए सी ईंट जो है मोटाई से दिख रही है तो जो मोटाई है उसका लंबाई अंदर है तो लंबाई कंप्लीट बी इतना उसका दिखेगा, तो जब बी के ऊपर 3 ईंट सपोर्ट लिए हुए है तो सी के ऊपर भी 3 ईंट होगा, तो 3 और 1 सामने के तरफ से, 2 1 पीछे से, टोटल हो जाएगा 6।
इसी तरह डी के लिए आप देखिए, डी जो है ओनली वन ईंट पर सपोर्ट है, क्योंकि दूसरे तरफ जो राइट साइड में है वो किनारे एज से स्पर्श है, तो कोई भी किनारे वाले ईंट को काउंटिंग नहीं करेंगे, इसलिए डी के लिए केवल वन होगा। ई के लिए अगर आप सोचते हैं तो ई के लिए आप बॉटम में देखिए, तो बॉटम चूंकि ई यहां मोटाई ई का आपका डेप्थ भी नजर आ रहा है, तो ई के नीचे में तीन ईंट है, एक दो तीन, ये आपको ब्रेन से समझना पड़ेगा। अगर स्पेस आप समझ रहे हैं तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि वो ईंट कितने पर स्पर्श कर रहा है, तो ई जो है तीन ईंट को सपोर्ट लिए हुए है, जैसे इस तरफ से हमको दिख रहा है ये ईंट जो है ये तीनों ईंट पर है, इसलिए ई भी तीन ईंट पर होगा, और एक ई के लेफ्ट में वन है, तो टोटल हो गया फोर। इसका आंसर ए के लिए थ्री, बी के लिए फाइव, सी के लिए सिक्स, डी के लिए वन, ई के लिए फोर। तो विद्यार्थी ये तो मेरा एक केवल मार्गदर्शन आपके लिए है, मैं आपको पुनः एक बार आश्वस्त करता हूं कि मेरे द्वारा प्लेटफॉर्म कोचिंग में जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो पटना आने में सक्षम नहीं है, किसी भी कारणवश वो पटना नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लाइव क्लास के माध्यम से टॉप रैंकर्स www.com जो वेब क्लास चलाती है, वो मेरे द्वारा लाइव क्लास जो है ALP साइको का दिया जा रहा है, उसके द्वारा आप अपना हेल्प उठा सकते हैं, और मेरी बुक प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन के माध्यम से ALP साइको टेस्ट के लिए स्पेशली बुक प्रोवाइड की जा रही है, जो भी आप मार्केट से आप खरीद कर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस बुक में मुख्य विशेषता ये आपको नजर आएगी कि बिल्कुल नया पैटर्न पर आधारित है, सभी टॉपिक को टच किया गया है, और टेबल टेस्ट और वॉच टेबल संबंधित जो स्टूडेंट के मन में शंका बनी रहती है उसके बारे में विशेष रूप से उसका जो है सॉल्यूशन डिस्क्रिप्टिव किया गया है मेरे द्वारा, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन बनाकर खुद से सॉल्यूशन के माध्यम से अच्छे पकड़ जो है टेस्ट टू पर बना सकते हैं, जो कि रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अतः विद्यार्थी मैं इसी के साथ अपना आज का क्लास समाप्त करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच।